और यहाँ से आर एट ए से लेके सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास ऑलरेडी है, सी पॉइंट तक का डिस्टेंस 30 फीट 35 फीट, उसमें से 2 फीट 4 इंच आप माइनस कर लेते हो और 32.67 फीट हमारे पास बच जाता है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम एक बना ली सी पॉइंट तक, ए से लेकर सी तक, एक 4K का लोड अप्लाई हो रहा है, एक 16K का, और एक आपके पास रिएक्शन एट ए पॉइंट आ गया। अब मैक्सिमम मूवमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेंट्रोइड जोन के अंदर सी पॉइंट के ऊपर। तो मैक्सिमम लाइव लोड बेसिकली और मैक्सिमम मूवमेंट इज इक्वल्स टू आर एट ए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सी पॉइंट के हिसाब से, ये इस तरफ मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, आर एट ए इंटू ये डिस्टेंस आपके पास 32.67 आ गया, माइनस ये 4 जो है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 4 × 14 फीट, और 16 फुट उसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो ये फोर्स आपका 0 हो जाता है। टोटल मैक्सिमम लाइव लोड और मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो हमारे पास आ गई 492.8 kF। देयरफॉर अप्लाई द इंपैक्ट एंड वी लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इंपैक्ट और वी लोड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फाइंड आउट किए थे, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे इस मेंबर के अंदर। सो मोमेंट लाइव लोड प्लस इंपैक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी इंपैक्ट मोमेंट लाइव लोड, इंपैक्ट मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड इज इक्वल्स टू मोमेंट लाइव लोड की वजह से इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू द इंपैक्ट फैक्टर। सो मोमेंट लाइव लोड इंपैक्ट मोमेंट इज इक्वल्स टू 492.8 into distribution factor 1.32 into impact factor 1.26, total moment हमारे पास impact moment आ गई 820 kF। तो ये हमारे पास overall जो है वो impact moment आ गई live load की वजह से। अब ये हमारे पास 5 steps solve हो गए, 6th step के अंदर हम कहते हैं calculate the top 5 worst stresses, कि जिस तरह से आपने जब एक प्री स्ट्रेस girder या प्री स्ट्रेस member design किया था reinforced concrete structure के अंदर, मैंने last time आपको करवाया था, उसके अंदर हमने प्रीस्ट्रेसिंग को अप्लाई करते वक्त और करने के बाद हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट किए थे कि टॉप फाइबर ऑफ द बीम के अंदर स्ट्रेसेस कितनी है और बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस कितनी है। अब एग्जैक्टली वही स्टेप आपका रिपीट होने लगा है यहाँ पे, कि हमने स्टेप 6 के अंदर कैलकुलेट करने हैं स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर ऑफ द गर्डर। जब आपका कम्युलेटिव एज अ कंपोजिट सेक्शन आप बना चुके हैं तो स्ट्रेसेस किस तरह से मेंबर के अंदर डेवलप होती है। Now we know that the sectional properties of both composite and non-composite section and the design moments हम already find out कर रहा है, composite की भी sectional properties आ गई और non-composite की भी design moments भी आ गई। We calculate the stresses at the top and bottom fiber of the pre-stress girder। अब हम top and bottom दोनों fibers के ऊपर stresses को find out कर सकते हैं। For the top fiber we need to compute the distance। Top fiber के लिए हमें distance चाहिए from the centroid से लेकर to the top fiber तक, और बॉटम के केस के अंदर सेंट्रोइड से लेके टू द बॉटम फाइबर तक। कि टॉप फाइबर के अंदर आप स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं तो जो सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन बना उस सेंट्रोइड से लेके आपका टॉप फाइबर ऑफ द गर्डर तक का जो डिस्टेंस है वो आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास उस रीजन के अंदर स्ट्रेसेस आएंगे, जो कि हम सेंट्रोइड तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट करा है स्टेप नंबर 2 के अंदर। द स्ट्रेसेस फॉर द स्लैब एंड द गर्डर आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द नॉन कंपोजिट सेक्शनल प्रॉपर्टीज, व्हाइल दोज फॉर लाइव लोड प्लस इंपैक्ट मूवमेंट द बैरियर द बेयरिंग फोर्स आर डिटरमाइंड यूजिंग द कंपोजिट सेक्शनल प्रॉपर्टीज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टेप नंबर 2। और एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेसेस एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू MC ओवर I। M इज द मूवमेंट, C बेसिकली इज द सेंट्रोइड डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, I is the sectional moment of inertia. Individual stresses are then totally to yield an overall stresses at the extreme top fiber of the type 3 pre-stress girder. अब हमारे पास stresses find out करने के लिए top fiber of the girder के अंदर हमने क्या किया कि एक non-composite type 3 girder consider किया और दूसरा composite यानी कि individual और as a composite. 7 inches slab and type 3 girder भी आ गए। Total moment of inertia type 3 girder का कितना था? 125,390 इंच पावर 4 और कंपोजिट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 367 इंच पावर 4 था। वाई टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस टोटल कितना बचा? अब वाई टी बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रोइड ऑफ द गर्डर से लेके आपको डिस्टेंस चाहिए टॉप फाइबर ऑफ द गर्डर तक का डिस्टेंस, जो कि आपका वाई टी कहलाता है बेसिकली।
या आपके पास टोटल गर्डर जो है वो 45 इंच का था, सेंट्रोइड कितने का बनता था 20.27 पे, 45 में से 20.27 आप माइनस कर लो तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके टॉप फाइपर तक का डिस्टेंस आ जाएगा, वो हमने 45 टोटल सेक्शन का था, सेंट्रोइड से लेके बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस वो 20.27 ऑलरेडी हमें गिवन था, उसमें से हमने डिडक्ट किया तो टोटल टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस 24.2774 इंच आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप कंपोजिट की बात करते हैं तो कंपोजिट का जो सेंट्रोइड वो बेसिकली यहाँ पे है 35.5 इंच के ऊपर, उस केस के अंदर आप इसका सेंट्रोइड जो है वो कंपोजिट सेक्शन के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 45 का टोटल सेक्शन था 45 माइनस 35.5 जो कि आपका सेंट्रोइड ऑफ द कंपोजिट सेक्शन था वो आपने डिडक्ट कर दिया तो एज अ कंपोजिट सेक्शन के लिए आपके पास डिस्टेंस आ गया 9.5 इंचेस। बॉटम फाइबर के लिए नॉन कंपोजिट में ऑलरेडी हमारे पास बॉटम फाइबर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ऑलरेडी 20.27 गिवन है और कंपोजिट के अंदर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 35.5 ऑलरेडी गिवन है वो यहां पे आ गया। तो सारे डिस्टेंसेस आने के बाद हम स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर ऑफ द गर्डर, देयरफॉर द स्ट्रेसेस एट द टॉप फाइबर ऑफ द गर्डर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एज एफ यानी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एन सी ओवर आई। अब स्ट्रेसेस के लिए हमने टेबल बनाया नॉन कंपोजिट जिसके अंदर स्लैब और टाइप 3 गर्डर दोनों आ गए एलिमेंट्स में, और कंपोजिट के अंदर लाइव लोड इंपैक्ट लाइव लोड मूवमेंट इंटू बैरियर इंटू वियरिंग कोर्स तीनों चीजें आ गई यहाँ पे एज अ कंपोजिट के अंदर, क्योंकि लाइव लोड का ओवरऑल सारी चीजें आप यहाँ पे कवर कराए हो, और उसके अंदर नॉन कंपोजिट के अंदर स्लैब और गर्डर दोनों इंडिविजुअल आ गए। इक्वेशन क्या थी एमसी ओवर आई। अब यहाँ पे स्लैब के केस के अंदर टोटल हमारे पास डेड लोड मूवमेंट कितनी बन रही थी, चलते हैं पीछे चेक करते हैं डेड लोड मूवमेंट स्लैब के लिए हमारे पास कितना बन रहा था मूवमेंट डेड लोड का 399, यहाँ पे हमने पुट किया 399 12 इंच का फिट के अंदर कन्वर्जन में इंच फिट का कन्वर्जन सॉरी। उसके बाद जो हमारे पास सी डिस्टेंस बेसिकली है वो सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन से लेके टॉप फाइबर ऑफ द गर्डर तक का जो डिस्टेंस है वो 24 पर हमने पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया वाई टी 24.7473 इंचेस बेसिकली वो यहाँ पे आ गया, और स्लैब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है गर्डर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शनल प्रॉपर्टीज के अंदर 125,390 इंच पावर 4, और टोटल जो टॉप फाइबर के अंदर स्लैब की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हुई वो 0.944 के एसआई डेवलप हुई। नाउ टाइप 3 गर्डर, गर्डर का लोड 12 इंच का फिट में फिट इंच कन्वर्जन, उसके बाद 24.7 सी का डिस्टेंस या टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस, गर्डर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल आपके पास स्ट्रेस टॉप फाइबर के ऊपर आ गई 0.845। अब आते कंपोजिट के अंदर, कंपोजिट के अंदर टोटल लाइव लोड इंपैक्ट मूवमेंट जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 5 के अंदर, टोटल लाइव लोड इंपैक्ट मूवमेंट वी गॉट 820 के फिट, तो यहाँ पे टोटल 820 के फिट आ गया 12 इंच फिट कन्वर्जन, एंड जो कंपोजिट के अंदर जो डिस्टेंस आपके पास टॉप फाइबर तक का डेवलप हुआ गर्डर के टॉप फाइबर तक का वो आपके पास 9.5 इंचेस था, वो 9.5 इंचेस आ गया, टोटल स्ट्रेसेस हमारे पास टॉप फाइबर के ऊपर 0.248 के एसआई डेवलप हुई। नाउ बैरियर, बैरियर के अंदर बैरियर का वेट इंच कन्वर्जन 9.5 वही वाई टॉप का डिस्टेंस, ये वाला जो आपके वाई टॉप तक का डिस्टेंस है वाई टॉप डिस्टेंस आ गया, उसके बाद कम्युलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कंपोजिट का था यहाँ पे भी कंपोजिट का रखा, जो आपके पास जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई टॉप फाइबर के ऊपर वो 0.029 के एसआई डेवलप हुई। वियरिंग कोर्स, वियरिंग कोर्स लोड कन्वर्जन 9.5 जो कंपोजिट का टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस, कंपोजिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके पास स्ट्रेसेस डेवलप हुई 0.037 के एसआई। टोटल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू टॉप फाइबर के ऊपर टोटल स्ट्रेसेस हमने तमाम को सम किया 2.103 के एसआई टोटल स्ट्रेसेस आ गए। एग्जैक्टली इसी तरह से हम स्टेप नंबर 7 के अंदर बॉटम फाइबर के ऊपर हम स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं, जिसके एग्जैक्टली सेम तरीका है, सिमिलर प्रोसीजर है, जस्ट आपको जो वाई टी का डिस्टेंस था टॉप फाइबर तक का उसको हमने वाई, अब हमें डिस्टेंस चाहिए वाई बी का सेंट्रोइड से लेके बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस। अब फार्मूला इक्वेशन वही है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा, वही टेबल है सारा एज इट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ इंडिविजुअल सेक्शन एज अ कंपोजिट सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल एज अ कंपोजिट, वाई टी हम ऑलरेडी टॉप फाइबर के लिए यूज करा है दोनों केसेस के अंदर, अब हम वाई बी यूज करेंगे फॉर द बॉटम फाइबर केस के अंदर। एग्जैक्टली वही डायग्राम है सिमिलर,
ये एग्जैक्टली सेम टेबल, देयरफॉर द स्ट्रेसेस एट द बॉटम फाइबर ऑफ द गर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। स्लैब, स्लैब का वेट, इंच कन्वर्जन, बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस 20.27 गर्डर जो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन गर्डर का, आपके पास बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस आ गई 0.774 के एस आई टाइप 3 गर्डर, गर्डर का लोड, उसके बाद इंच कन्वर्जन, बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस, स्ट्रेसेस आ गई। उसके बाद कंपोजिट के अंदर लाइव लोड प्लस इंपैक्ट मूवमेंट, बेरियर, वेयरिंग फोर्स, वही लाइव लोड प्लस इंपैक्ट मूवमेंट 820, इंच कन्वर्जन 35.5, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस था टोटल जो है वो वाई बॉटम तक का 35.5, हमने 35.5 यहाँ पे पुट किया, डिवाइड बाय कंपोजिट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेसेस वी गॉट बॉटम फाइबर के ऊपर 0.926 के एस आई, बेरियर, बेरियर का लोड, कन्वर्जन 35.5, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वी गॉट 0.108, वियरिंग सरफेस, ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, टोटल स्ट्रेसेस को सम किया, टोटल स्ट्रेसेस वी गॉट एफ एट द बॉटम फाइबर इज इक्वल टू 2.639 के एस आई। तो टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस आ गई और बॉटम फाइबर के ऊपर भी स्ट्रेसेस आ गई। तमाम स्ट्रेसेस को हमने कैलकुलेट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो प्री स्ट्रेसिंग को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आगे डिजाइन जो है वो किस तरह से स्विच कर। नाउ वी हैव असाइनमेंट नंबर 9। So, in our discussed example, जो हमने अभी क्लास में सॉल्व किया, that the girdle length was 70 feet. अगर हम girdle की लेंथ को 120 feet कर दें और simply supported span consider करें, as to specifications, PCI girdle की specifications जो हमको follow करें, तो हम 120 feet के लिए कौन सा section, जो I section या type girdles के जो given है, वो टाइप में आपको प्रोवाइड करूंगा। 5 टाइप्स ऑफ गर्डर ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, उनमें से आपने 120 फीट के हिसाब से जो एक स्पेसिफिक डायमेंशंस का जो गर्डर अवेलेबल है उसको आपने चूज करना है और सेम मेथोडोलॉजी को सॉल्व करते हुए या अप्लाई करते हुए आपने जो है उस डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर जो आपका ब्रिज का जो क्रॉस सेक्शन है वो आप सेम एज इट इज कंसीडर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है या डिजाइन जो डिस्कस कर रहे हैं पीछे स्टेप्स के अंदर। बाकी जो रेस्ट डेटा कोई अगर डिटेल्स गिवन नहीं है तो वो भी आपको जो डिजाइन एग्जांपल में हमने चूज की थी वही डिटेल्स आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट 7 स्टेप्स हैं जो कि इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, वही 7 स्टेप्स आपने यहाँ पे इस असाइनमेंट में सॉल्व करने हैं और कोशिश करनी है तमाम बंदे जो है उसको हैंड रिटन सॉल्व करें। और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना जो 10th लेक्चर है बेसिकली, उसके अंदर हम यही प्री स्ट्रेस मेंबर जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे, जो 7 स्टेप्स हम यहाँ कर रहे हैं और बाकी जो 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 7 स्टेप्स तक इसी एग्जांपल को आपने यहाँ सॉल्व करना है और बाकी जो आपका असाइनमेंट नंबर 10 होगी उसके अंदर उसी डिजाइन एग्जांपल को कंप्लीट सॉल्व करना है, यानी 7 स्टेप्स आप यहाँ कर चुके होंगे और बाकी जो स्टेप्स हैं उनको उसी के साथ कंटिन्यू करके असाइनमेंट नंबर 10 में आपने यहाँ पे हाफ एग्जांपल सबमिट कराना है, असाइनमेंट नंबर 10 में आपने कंप्लीट डिजाइन एग्जांपल सबमिट कराना है, यानी असाइनमेंट नंबर 9 और असाइनमेंट नंबर 10 एज अ क्यूमुलेटिव आपकी सबमिट हो जाएगी असाइनमेंट नंबर 10 के अंदर। That's all for today. Thank you very much.